इतना पक चुका है। तो हेलो एवरीवन, चलिए मैं आज आपको एक मेरे घर में फूट पक रहा है, मेरे घर में कोई जा रहा है, मुझे मालूम नहीं था, तो चलिए मैं अपने छत पर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ वो क्या चीज पक रहा है, वो कौन सा फूड है। चलिए वीडियो में आगे देखिए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको अपने छत पे लिए चलता हूँ, मेरी माँ जा रही है मेरे नानी के घर, तो मैं नहीं जा रहा हूँ। मालूम नहीं था कि मेरी माँ कल जाएगी, तो आज सुबह जैसे मैंने सो के उठा तो देखा कि मेरे घर में ये फूड पक रहा है, तो पूछा कौन कहाँ जा रहा है किसके लिए, तो बाद में पता चला। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम अपने छत पे आ गए हैं, ये वीडियो छोटा होने वाला है, ये वीडियो कोई बड़ा नहीं होने वाला है, वीडियो मैं कल सोच रहा हूँ थोड़ा बड़ा दूसरे जगह जाके बनाने के लिए। तो चलिए आज ये कौन सा फूड पक रहा है ये देखिए, मैं अभी अपने छत के ऊपर आ गया हूँ। तो ये देखिए क्या पक रहा है, गुलगुल्ला, मैदा का गुलगुल्ला। इधर इतना पक चुका है, टेस्ट करने। ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा गर्म है, ठंडा लगता है। इधर है नासरीन, जब से पक रहा है खूब खा रहा है। तो गाइस, इसको बनाने में अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या लगता है मैं आपको थोड़ा बताने जा रहा हूँ। इसमें मैदा, चीनी और इसको स्पॉन्ज फुलाने के लिए एक दूसरा मसाला आता है, वो मुझे मालूम नहीं है, अगर आप लोग चाहिएगा तो मैं पूछ के आपको इसका पूरा डिटेल बता दूँगा अलग से एक वीडियो बनाकर। ये बहुत अच्छा स्पॉन्ज है। तो अभी हम यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, आइए वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।